ओके एवरीवन, सो द टॉपिक वी आर स्टार्टिंग टुडे इज द स्टेम। आज जो नया टॉपिक शुरू करेंगे हम लोग स्टेम शुरू करेंगे। अब देखिए, फर्स्ट लेक्चर में हमने जिस बारे में बात की थी, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ये बताया था कि किसी भी प्लांट के दो हिस्से होते हैं, है ना। स्टेम को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक सी बात ही बताता हूँ कि जब हम किसी प्लांट की बात करते हैं तो किसी भी प्लांट के अंदर मेनली दो पार्ट होते हैं, और वो पार्ट कौन कौन से हैं किसी प्लांट में। पहला होता है एरियल पार्ट, जो किसी प्लांट का एरियल पार्ट है, और दूसरा पार्ट होता है अंडरग्राउंड पार्ट। द सेकंड पार्ट इज द अंडरग्राउंड पार्ट। एरियल पार्ट की अगर बात करें तो एरियल पार्ट में दो चीजें आती हैं। पहला आता है हमारे पास शूट सिस्टम। एरियल में एक ही चीज आती है, ऑब्वियसली शूट आएगा हमारे पास। और जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है, मैं जनरल लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, दैट इज गोइंग टू बी द रूट। जनरली हमारे पास जो अंडरग्राउंड पोर्शन होता है हमारा, दैट इज गोइंग टू बी द रूट। अब बात करें अगर शूट की, तो शूट में भी दो चीजें हो जाती हैं। अगर हम बात कर लें शूट की, मैं कुछ और कलर्स देखता हूँ जो यहाँ इजीली विजिबल हो जाएं, जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस येलो कलर। अगर हम लोग शूट की बात करें तो शूट में मेनली दो पार्ट होते हैं। पहला हमारे पास होता है स्टेम। खाली स्टेम शूट नहीं होता, शूट तो जो एरियल पार्ट है उसे कहते हैं। स्टेम तो असेंडिंग एक्सेस होता है, जो सेंट्रल एक्सेस है प्लांट का, उसको स्टेम बोला जाता है, ठीक है। और इसके अलावा लीफ या जो लीव्स होती हैं प्लांट पर, ये दो मेन पार्ट है। अच्छा, कई बार हम लोग फ्लावर्स की बात कर लेते हैं, फ्रूट्स की भी बात कर लेते हैं, तो देखिए फ्लावर और फ्रूट एक मॉडिफिकेशन ही तो है। फ्लावर जो है लीव्स की मॉडिफिकेशन होती है। हम चाहें तो हम ऐड कर सकते हैं कि ये शूट के अंदर आता है कि हमारे पास फ्लावर है, लेकिन टेक्निकली फ्लावर इज जस्ट अ मॉडिफिकेशन ऑफ द लीफ, एंड फ्लावर के अंदर ही हमारे पास फ्रूट की फॉर्मेशन होती है, आप जानते हैं। मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा ये बात। अब अगर हम जनरल लैंग्वेज में बात करें तो जनरल लैंग्वेज तो ये है कि हमारे पास, हम जानते हैं इस बात को कि डाइकॉटिलेडनस प्लांट के अंदर हमारे पास ये दो कॉटिलेडन होते हैं। कॉटिलेडन बेसिकली रिजर्व फूड को कहा जाता है ना। हमारे पास क्या होते हैं, दो कॉटिलेडन होते हैं। इसको दोबारा बना लिया जाए तो हमारे पास यहाँ पर लेट्स से मान लीजिए दो कॉटिलेडन है। अभी तो मैं इस तरह से बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। बीच में हमारे पास क्या हो रहा है, ये हट क्यों रहा है, चलो कोई बात नहीं। सो मान लीजिए कि ये हमारे पास कॉटिलेडन है, यहाँ पर है ना, ये कॉटिलेडन है। बीच में हमारे पास ये एम्ब्रियोनल एक्सेस होगा, राइट। तो अगर हम इसे लेबल करें, सो दिस इज गोइंग टू बी एम्ब्रियोनल एक्सेस। ये हमारे पास एम्ब्रियोनल एक्सेस है। ये हमारे पास, इसके नीचे वाले हिस्से को हम हाइपोकोटाइल कहेंगे। द लोअर पार्ट इज कॉल्ड हाइपोकोटाइल एंड द ऊपर वाला पार्ट इज कॉल्ड एपिकोटाइल। मैंने अपनी फर्स्ट लेक्चर में बहुत ज्यादा क्लियर किया आप लोगों को। एपिकोटाइल के ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये जो यहाँ से डेवलप होने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी प्लिम्यूल, और यही प्लिम्यूल जो है हमारे पास शूट बनाएगा। वेयर एज यहाँ से जो पार्ट डेवलप होगा, दिस इज गोइंग टू बी रेडिकल, एंड दिस रेडिकल इज गोइंग टू फॉर्म द रूट। ये सारी बातें जो है मैंने आपको पहले पढ़ाई हुई है कि रेडिकल क्या होता है या प्लिम्यूल क्या होता है। आज हमें ये वाली बात पता है कि जो स्टेम है वो प्लिम्यूल से डेवलप होगा, जो शूट सिस्टम होता है वो प्लिम्यूल से डेवलप होता है। तो अब हम आज के इस लेक्चर में स्टेम की कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये फर्स्ट लेक्चर है स्टेम का, एंड लास्ट क्लास में बर्ड्स डिस्कस कर ही चुका हूँ, तो हमें पता है कि बर्ड बेसिकली एक तरह से अंडर डेवलप्ड शूट ही है ना, अंडर डेवलप्ड शूट सिस्टम है। अब शूट सिस्टम से आगे से लीव्स भी बन सकती हैं, ब्रांचेस भी बन सकती हैं, ये सारी हम जानते हैं बात। तो शूट एग्जैक्टली क्या होता है आपको पता है अभी। सो द टॉपिक दैट वी आर स्टडिंग ओवर हियर इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेम। तो अगर मैं सबसे पहले आपको ये बात बताऊं कि स्टेम को अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम स्टेम की डेफिनेशन क्या कहेंगे, या स्टेम की डेफिनेशन हम लोग कैसे लिखेंगे, तो हम ये कहेंगे कि स्टेम इज द असेंडिंग एक्सेस ऑफ द प्लांट, राइट। जो असेंडिंग एक्सेस होता है, जो सेंट्रल एक्सेस है प्लांट का मेनली, वो होता है हमारा स्टेम। सो इट इज द असेंडिंग एक्सेस। असेंडिंग का मतलब है क्योंकि ये जो है सॉइल से अवे ग्रो कर रहा है, तो असेंडिंग एक्सेस ऑफ प्लांट which is developed from plumule, which develops from plumule, कि ascending axis of plant जो कि plumule से develop होता है, इसे हम लोग stem कहते हैं। क्या कहते हैं, stem कहते हैं। अब देखिए generally अगर दूसरे features की बात करी जाए तो stem erect होगा। So stem is generally erect, stem is usually erect and grows above the ground, grows above the ground। ये ground से दूर की तरफ जो है grow कर रहा होता है, ठीक है।
तो अगर हम इसके लिए टर्म यूज करें कि जो ग्राउंड से दूर ग्रो कर रहा है, तो इसके लिए बहुत जनरल सा टर्म यूज किया जा सकता है, एंड यू नो दैट कि हम इसके लिए इस टाइम के लिए कह सकते हैं कि ये पॉजिटिवली पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक है, क्योंकि ये सनलाइट की तरफ ग्रो करेगा, फोटोट्रॉफिक है, राइट? ट्रॉपिक, सॉरी नॉट ट्रॉफिक, ट्रॉफिक का मतलब तो न्यूट्रिशन होता है, और ये नेगेटिवली जियोट्रॉपिक है, ये नेगेटिवली जियोट्रॉपिक है। जियोट्रॉपिक का मतलब होता है कि जो ये अर्थ सॉइल सॉइल से दूर ग्रो कर रहा है, अच्छा वाटर से भी दूर ग्रो करता है ना, तो हम ये कहेंगे कि इट इज नेगेटिवली हाइड्रोट्रॉपिक एज वेल, हाइड्रोट्रॉपिक एज वेल। तो इस स्टेम की बेसिक सी अगर हम करेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये है। अब जो एपेक्स है स्टेम का, अगर कल हमने बर्ड्स की बात की थी, देखिए मैंने आपको ये बताया था, मैं एक जनरल सी आपको यहाँ बात बता दे रहा हूँ इसलिए, क्योंकि हालांकि मैं आपको कल पढ़ा चुका हूँ, कल मैंने आपको ये बताया था कि जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स जो होते हैं ये अंडर डेवलप शूट ही है हमारा, दैट इज अंडर डेवलप शूट, और इस बर्ड से हमें ब्रांचेस भी मिल सकती हैं, इस बर्ड से हमें लीव्स भी मिल सकती है। लेकिन आप ऐसे समझिए, अगर मैं आपको ऊपर यहाँ पर थोड़ा सा बताऊँ, फॉर एग्जाम्पल कि हमने यहाँ पर एक स्टेम बनाया, राइट? जनरली जो अर्ली स्टेम होते हैं वो ग्रीन ही होते हैं, मान लीजिए मैंने इस तरह से स्टेम बनाया है ना, ये स्टेम है। अब जो इस स्टेम का एपेक्स होगा, ये जो एपेक्स है, यहाँ पर हमें एक टर्मिनल बर्ड जरूर मिलेगा। क्यों मिलेगा ये टर्मिनल बर्ड हमें? क्योंकि ये टर्मिनल बर्ड जो है ये हमारे स्टेम की ग्रोथ करवाता है। आप जानते हैं कि इसे टर्मिनल बर्ड कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड टर्मिनल बर्ड। मैंने कल वाले लेक्चर में आपको बताया है, बर्ड वाले लेक्चर में, हालांकि उसमें जो है नोट्स प्रॉपर दिख नहीं रहे, तो आप मुझसे नोट्स मांग सकते हैं अपना ईमेल आईडी वगैरह देके, मैं आपको भेज दूंगा। ये टर्मिनल बर्ड है। तो अगर हम इसमें एक बात और लिखें तो हम कहेंगे कि द ग्रोइंग एपेक्स, नेक्स्ट पॉइंट हम ये ऐड कर सकते हैं, दैट द ग्रोइंग एपेक्स, मैं आपको भी डायग्राम दिखा दूंगा इनमें वैसे, द ग्रोइंग एपेक्स ऑफ द स्टेम बियर्स अ टर्मिनल बर्ड, ऑफ स्टेम बियर्स अ टर्मिनल बर्ड, मतलब इसके ऊपर एक टर्मिनल बर्ड होता है, टर्मिनल बर्ड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ द स्टेम, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेम ग्रोथ, जो स्टेम ग्रोथ होगी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। अब जो स्टेम होता है फ्लावरिंग प्लांट के अंदर, मतलब फ्लावरिंग प्लांट के अंदर ये इजिली विजिबल हो जाता है हमें, इसलिए मैं लिख रहा हूं कि जो स्टेम होगा फ्लावरिंग प्लांट में, आई एम राइटिंग इन फ्लावरिंग प्लांट, इन फ्लावरिंग प्लांट स्टेम इज डिफरेंशिएटेड बिटवीन नोड्स एंड इंटरनोड्स, मतलब स्टेम में हमारे पास नोड्स होती हैं और इंटरनोड्स होती हैं, नोड एंड इंटरनोड्स, राइट? क्या होता है नोड और इंटरनोड, इसकी बात करते हैं। ओके, नाउ सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नोड्स एंड इंटरनोड्स। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं आपको एक प्लांट जो है यहां दिखाता हूं, अभी तो उसका पिक्चर हमें नहीं मिलेगा, बट लेट मी जस्ट शो यू हियर। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये कंसिडर करते हैं कि ये हमारा कोई स्टेम है, राइट एवरीवन, ये हमारा स्टेम है। अब इस स्टेम पे यहां मान लीजिए फ्यूचर में एक टर्मिनल बर्ड डेवलप हुआ, और इस डेवलप से यहां से एक ब्रांच डेवलप हुई, और यहाँ हमारे पास एक लीफ आ गई है ना, और एक मान लेते हैं कि ये जो हमारे पास दूसरा बड डेवलप हुआ और एक ये लीफ हमारे पास यहाँ आ गई, या कोई भी स्टेम आ गई, तो ये जो हिस्सा है, ये जो है इसे नोड कहते हैं। नोड वो पार्ट होते हैं एक स्टेम में जहां से कोई लीफ अराइज होती है, या यहां से कोई ब्रांच अराइज होगी, हो सकता है यहां से कोई फ्यूचर में एक ब्रांच अराइज हो जाए, इस तरह से है ना, कोई ब्रांच अराइज हो जाए, और नोड के बीच का, दो नोड के बीच का जो स्पेस होता है इसे इंटरनोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? इंटरनोड। सो सिंपली नोड वो पार्ट होते हैं एक स्टेम में जहां से लीव्स या कोई नई ब्रांच अराइज होती है,
जबकि इंटर नोड दो नोड्स के बीच के स्पेस को कहते हैं. तो वी विल मेंशन ओवर हियर कि नोड को अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम क्या कहेंगे, नोड आर द पार्ट ऑफ द प्लांट फ्रॉम वेयर अ लीफ और अ ब्रांच अराइज जहां से एक ब्रांच अराइज होती है. ठीक है, मैं अभी आपको पिक्चर दिखाऊंगा थोड़ी देर में. इसके अलावा एक और टर्म है जो कि है इंटरनोड. इंटरनोड क्या है, तो इंटरनोड दो नोड्स के बीच के स्पेस को बोलते हैं. द स्पेस बिटवीन, व्हाट इज इट, द स्पेस बिटवीन टू नोड्स, दो नोड्स के स्पेस को इंटरनोड कहा जाता है. तो स्टेम का फीचर है कि एक स्टेम के ऊपर क्या होंगी, नोड्स और इंटरनोड जो है हमें मिलेंगी ही मिलेंगी. ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट. ओके, इसके आगे बात करते हैं. अब देखिए, जनरली स्टेम्स पर जो है हेयर्स हमें मिल सकते हैं. जिस टाइम मैं आपको रूट पढ़ा रहा था तो मैंने आपको रूट वाले लेक्चर में बताया था कि रूट में कुछ रूट हेयर्स मिलते हैं हमें, जो कि हमें सेकेंडरी रूट या टर्शियरी रूट से जो है निकल रहे होते हैं. ये रूट हेयर यूनिसेलुलर होते हैं सो दैट ये वाटर को अब्सॉर्ब कर सके. इसी तरह से किसी स्टेम में भी हेयर्स जो है हमें मिल सकते हैं. दिस इज इंपॉर्टेंट दैट इन सम स्टेम, सभी में तो नहीं होते लेकिन मिल सकते हैं. इन सम स्टेम्स इफ हेयर आर प्रेजेंट दे विल बी मल्टीसेलर. ये सबसे इंपॉर्टेंट है. अगर आपसे कोई पूछे कि किस तरह के होंगे, सो दे विल बी मल्टीसेलर, वो यूनिसेलर नहीं होते हैं. दे विल बी मल्टी सेलुलर. भाई रूट में तो इसलिए यूनिसेलुलर थे क्योंकि उनको वाटर का एब्जॉर्प्शन करना होता है. यहां पर तो किसी तरह का कोई एब्जॉर्प्शन का काम नहीं होता है. अच्छा, जनरली जो यंग स्टेम होते हैं वो ग्रीन और फोटोसिंथेटिक होंगे. तो ये भी हम फीचर लिख सकते हैं दैट यंग स्टेम्स जो होते हैं, यंग स्टेम्स आर जनरली ग्रीन एंड फोटोसिंथेटिक. इनका जो फंक्शन है ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं. सो दे आर ग्रीन एंड फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं. फोटोसिंथेटिक वी विल राइट. तो इस तरह के भी हो सकते हैं. दिस इज इंपॉर्टेंट. एक मैच्योर प्लांट में स्टेम पर ब्रांचेस आती हैं, फ्लावर्स आते हैं, फ्रूट आते हैं. तो हम ये कह सकते हैं अ मैच्योर स्टेम, और स्टेम जब ग्रो करने लगता है तो हम डायरेक्ट लिखेंगे अ स्टेम बियर्स ब्रांचेस लीफ एंड फ्रूट्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स. राइट, ये सारी बातें हमें कुछ करेक्टरिस्टिक हैं जो हमें पता हो होने ही चाहिए जब भी हम किसी की बात करते हैं. सो अगेन इफ आई रिपीट, स्टेम बेसिकली असेंडिंग एक्सेस होता है किसी भी प्लांट का, जो कि प्लीम्यूल से डेवलप हो रहा है या एपिकोटाइल से जो है डेवलप होता है. एपिकोटाइल और प्लीम्यूल जो है इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं. आज हमने बेसिकली स्टेम की बात करी है, इसके फीचर्स की बात करी है, क्या क्या करेक्टरिस्टिक हो सकते हैं किस स्टेम के. अब क्या फंक्शन होते हैं स्टेम के, ये वाली बात भी देखेंगे अभी. तो पहले मैं आपको एक डायग्राम बताता हूँ, इतनी सारी बातों को वापस रिपीट करते हैं, मतलब एक डायग्राम की छोटे से मदद से, फिर हम लोग फंक्शंस देखेंगे. ओके एवरीवन, सो इन दिस डायग्राम हम काफ़ी सारी चीज़ें जो है यहाँ पर देख सकते हैं. देखिए फॉर एग्जांपल, ये सारी अभी हमने बात करी कि जो स्टेम होता है वो किसी भी प्लांट का सेंट्रल एक्सेस होता है या फिर असेंडिंग एक्सेस है. आप देख सकते हैं कि मैं इसको असेंडिंग एक्सेस क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन में ये वाला जा रहा है ना, इस वाले को हम लोग स्टेम है. ये भी स्टेम ही है लेकिन स्टेम की ब्रांचेज है. ठीक है, हम लोग अभी मेनली इसकी बात कर लेते हैं, मैं आपको समझा दूंगा. अब मान लो ये स्टेम की ब्रांच है, वो भी अपनी जो लीव्स है उसके लिए असेंडिंग एक्सेस हो गया है ना. खैर, अब हमने क्या देखा, व्हाट आर नोड्स. अब यहाँ क्या हुआ होगा, जैसे मान लीजिए कि स्टेम पे किसी तरह का बड डेवलप हुआ होगा, इस बड से एक ब्रांच डेवलप हुई या इससे कोई लीव डेवलप हुई. जैसे यहाँ पर ये एक जो है आगे जाकर लीव बन रही है, धीरे धीरे ब्रांच बन जाएगी, तो ये नोड्स हैं. नोड्स वो होते हैं जो बेसिकली क्या होंगे, यस, नोड्स वो हैं जहां से किसी तरह की ब्रांच डेवलप हो रही है या फिर किसी तरह का लीफ डेवलप हो रहा है, इसे नोड बोलते हैं. अब जैसे मान लीजिए ये भी एक नोड है, और दो नोड के बीच के इस स्पेस को हम लोग इंटरनोड कहते हैं. असेंडिंग पार्ट है, इस पर नोड होती है, इंटरनोड होती है, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक है, राइट, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक है, नेगेटिवली हाइड्रोट्रॉपिक है, ये सारी चीज़ें. अब देखिए ये अभी हमने यहाँ बात करी, मैं आपको ये सारी चीज़ें वापस से दिखा देता हूँ. इतनी सारी पार्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये क्या है. प्लांट में दो बात बताई मैंने आपको, एरियल और अंडरग्राउंड पार्ट. और ये देख लीजिए आप,
अगर आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो आप यहाँ देख सकते हैं, अगर कुछ नोट छूट गया है तो आप यहाँ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या आप ये नोट्स मुझसे ले भी सकते हैं अगर आप मुझे मेरे जीमेल अकाउंट पर जो है मैसेज कर देंगे। तो ये नोट्स देख लीजिए आप एक बार, एंड फिर हम लोग आगे इसके फंक्शंस डिस्कस करते हैं, ठीक है। नाउ वी आर राइटिंग अबाउट द फंक्शंस ऑफ स्टेम, सो लेट अस टॉक अबाउट हियर कि स्टेम के क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं। सो फंक्शंस ऑफ स्टेम, देखिए अगर हम लोग फंक्शंस की बात करें ना, प्लांट के फंक्शंस की, स्टेम के फंक्शंस की, तो ये बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है। आप धीरे धीरे रियलाइज करेंगे कि जब मैं मॉडिफिकेशंस की बात करूंगा तो मॉडिफिकेशंस में तो इसके बहुत सारे जो हम लोग फंक्शंस पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिर भी हम कुछ लिस्ट बना रहे हैं जिससे हमें आइडिया लग जाए। सबसे पहला तो स्टेम एक प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, ये बात आप जानते हैं कि एक प्लांट को जो सपोर्ट प्रोवाइड कराने का काम है वो स्टेम का है, राइट। सो आपका जो स्टेम है वो लीव्स को होल्ड कर रहा है, फ्लावर को होल्ड कर रहा है, फ्रूट को होल्ड कर रहा है, तो इट्स प्रोवाइडिंग अ काइंड ऑफ सपोर्ट, राइट। एंड इट इज होल्डिंग, विल राइट दैट, होल्डिंग लीव्स, फ्लावर, राइट, एंड फ्रूट। एक तो मुझे लग रहा है कि स्क्रीन पूरी कवर नहीं हो पा रही है रिकॉर्डिंग में, आई गेस, बट वी विल गो ओवर हियर, इस साइड चलते हैं थोड़ा सा, है ना, फ्लावर और फ्रूट को जो है सपोर्ट कर रहा है। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है स्टेम का, जनरली ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्ट करना। आप इस बात को जानते हैं कि प्लांट के अंदर जो है कंडक्टिंग टिश्यूज मिलते हैं, वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर टिश्यू मिलता है। ये वैस्कुलर टिश्यू वाटर को, न्यूट्रिएंट्स को, मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करते हैं। जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है जाइलम से, जबकि फ्लोएम जो फूड का ट्रांसपोर्ट करते हैं वो मल्टी डायरेक्शंस में करते हैं, ठीक है, ये वाली बात आपको पता है। सो जो ट्रांसपोर्ट का काम है, तो वी कैन राइट दैट स्टेम एक्ट एज अ ट्रांसपोर्टर, राइट, स्टेम एक्ट एज ट्रांसपोर्टर, राइट। इट ट्रांसपोर्ट फूड, वाटर, मिनरल्स, है ना। तो ये जो सारे काम है, सबसे मेन काम जो है इसका वो यही है, ठीक है। बिटवीन द रूट्स, मतलब रूट से लेकर के वाटर ऊपर तक ले जा रहा है, लीव से या ग्रीन पार्ट से लेकर के फूड को बाकी प्लांट में ले जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा स्टेम की वजह से ही प्लांट की ग्रोथ होती है। आप जानते हैं कि जो अपाइकल पार्ट है स्टेम का, कल मैंने बर्ड वाले लेक्चर में आपको बताया भी था कि जो अपाइकल पार्ट है स्टेम का, उसमें जो है टर्मिनल बर्ड मिलती है जिसकी वजह से जो है इसकी ग्रोथ होती है। तो थर्ड वी कैन राइट दैट स्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। कैसे? इसमें इस तरह के टिश्यूज मिलते हैं जो प्लांट की हाइट को, थिकनेस को ग्रो कराने में मदद करते हैं। सो इट कंटेन्स टिश्यू दैट हेल्प्स प्लांट टू ग्रो इन हाइट एज वेल एज जो प्लांट की थिकनेस होती है उसमें भी थिकनेस। आप जानते हैं कि स्टेम धीरे धीरे थिक होता जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे स्टेम न्यूट्रिएंट्स और वाटर को स्टोर भी करते हैं, तो इसमें हम लोग अगला फंक्शन लिख सकते हैं फोर्थ, दैट दे हेल्प इन स्टोरेज ऑफ सब्सटेंस। हम मॉडिफिकेशंस की बात जब करेंगे, फॉर एग्जाम्पल जब मान लीजिए मैं पोटैटो की बात करूंगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि पोटैटो इज अ मॉडिफाइड स्टेम, हम बात कर लेंगे, ठीक है। तो स्टोरेज, दैट इट स्टोर, स्टेम ऑल्सो मॉडिफाइड टू स्टोर, यू नो, सो कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। तो वाटर न्यूट्रिएंट को जो है स्टोर कर लेता है। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस, अगर हम चाहें तो हम एक फंक्शन और लिख सकते हैं, दैट इज प्लांट का जो ये भी काम है कि फोटोसिंथेसिस में भी जो है हेल्प कर सकता है। इनिशियल में जो ग्रीन पार्ट होता है प्लांट का, वो जो ग्रीन स्टेम है वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा, सो फोटोसिंथेसिस एज वेल। इसके अलावा स्टेम के और भी बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं, हम मॉडिफिकेशंस पढ़ते टाइम डिस्कस करेंगे। जैसे मान लीजिए रिप्रोडक्शन हो गया, उसमें से कोई न्यू प्लांट निकल रहा है, एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा। सो दिस वाज अ लेक्चर ऑन द स्टेम और उसके कैरेक्टरिस्टिक और उसके फंक्शंस। ये नोट्स हैं, अगर कुछ हाइड हो रहा है तो एक बार मैं आपको यहां दिखा देता हूं इस तरह से, ठीक है। आई डोंट थिंक सो कि अभी कुछ हाइड हो रहा होगा, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके, यहां देख सकते हैं आप। एंड नाउ एवरीवन, वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। Thank you so much. And the next lecture will be on the modifications of the stem.